Bon, ça suffit. Au revoir, Wally. Bonne chance. Un de ces jours, mon vieux. हेलो एवरीवन, शायद मैंने आपको बोला था कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊंगा, एंड मोटिवेशन तभी मिलता है जब कहानी जो है ना को रिलेट हो। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बहुत ही खास है, और शायद ही इंसिडेंट इतना डिस्कस किया जाता हो जितना किया जाना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ आपको ग्रेट लोगों की तस्वीरें नजर आ रही है, एंड मैं बोल रहा हूँ कि जो बड़े नाम होते हैं ना, वो क्राइसिस नहीं बनते। आप लोग, लॉकडाउन सिचुएशन है, काफी लोगों के एग्जाम्स इधर उधर हो चुके हैं, कुछ के पोस्टपोन, कुछ का क्या, और जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि स्लो डाउन पे है इकोनॉमी की तरफ। अभी क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग ना मोटिवेट नहीं हो पा रहे, और हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और हमें डर भी लगता है भीतर से रोज, क्योंकि हम लोग रोज न्यूज पढ़ते हैं, केसेस बढ़ते हैं, और हम लोगों को लगता है कि पता नहीं हम पढ़े नहीं पढ़े, कैसे मैनेज करें खुद को, पता नहीं। ये वो म्यूजिशियंस हैं जो आपने टाइटैनिक मूवी में देखे होंगे, जब टाइटैनिक डूब रहा होता है तो ये लोग वायलिन बजा रहे होते हैं। मैं ना इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा कि हाउ ग्रेट दे वर। आप देख सकते हैं कि ये जो चेहरे हैं, इनमें से काफी चेहरे काफी यंग भी हैं। आपको इनफैक्ट इनकी जब उम्र बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी ये सोच करके कि इतने साहसी लोग भला मतलब कहां से हुए। और इनका जो आखिरी गाना बज रहा था, या जो ये आखिरी गाना बजा रहे थे, दैट वाज नियरर माय गॉड टू दी, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम भगवान के करीब जाते जा रहे हैं। सो इट वाज एन अमेजिंग थिंग। मैं बता नहीं सकता कि ये बनाते समय, मतलब बोलते ना रोंगटे खड़े हो जाना, अगर मैं मैग्नीफाइंग लेंस से दिखा सकता तो मैं आपको दिखा देता। जो मतलब बोलते ना फीलिंग्स, वो उभर के आ रही है। ये रहा शिप, बहुत ही ज्यादा मैं बोलूं कि इस इमेज से हर कोई अपने आप को तुरंत इमेजिन कर सकता है कि हाँ ये टाइटैनिक का शिप है, और जो भी कुछ हुआ, जो भी इंसिडेंट्स थे। आप जरा इनकी एज देखिएगा, उम्र देखिएगा इन लोगों की, जो कि रही 24 साल, 20 साल, 30 साल, 33 साल, 21, 23, 32 साल, मतलब आप समझ लीजिए कि 20 से 33 साल की उम्र के लोग, यानी कुछ हमारी उम्र के लोग भी इसमें थे, है ना। और आप देखो कि उनमें कितना साहस रहा होगा कि जब शिप डूब रहा था, मैं ना विकिपीडिया से डेटा दिखा रहा हूं आपको, मैं कुछ भी कहीं से भी खुद का नहीं बना रहा। आप देखिएगा क्या बता रहे हैं वो। आफ्टर द टाइटैनिक हिट एन आइसबर्ग एंड बिगन टू सिंक, हार्टले जो कि लीड थे इनके, इस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के, टाइटैनिक म्यूजिशियन ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के, इन्होंने एंड हिज फेलो बैंड मेंबर्स स्टार्टेड प्लेइंग म्यूजिक टू कीप द पैसेंजर्स काम एज द क्रू लोडेड द लाइफ बोट्स। आपको भी पता है कि उस शिप में लाइफ बोट्स उतने नहीं थे, और ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि इनका लाइफ बोट्स नहीं थे। उसके बावजूद भी कि खुद की चिंता नहीं करके, सब कुछ साइड में रख के, वो लोग डेक पे म्यूजिक बजाते रहे। मैनी ऑफ द सर्वाइवर्स सेड दैट हार्टले एंड द बैंड कंटिन्यूड टू प्ले अंटिल द वेरी एंड, वन सेकेंड क्लास पैसेंजर सेट। और ये पढ़ रहा हूं ना, मैं आपको बता नहीं सकता क्या फील कर रहा। Many brave things were done that night, but none were more brave than those done by men playing minute after minute as the ship settled quietly lower and lower in the sea. The music they played served alike as their own immortal requiem and their right to be recalled on the scrolls of undying fame. आप समझ रहे हो कि ये मतलब ये जो साहस है और अपने काम का जो प्यार है, वो इस तरह का था कि उन्होंने उस समय पे भी ये समझा कि हमें लोगों को काम डाउन करना है, और उस सिचुएशन को जो हैंडल करने का जो तरीका था, लाइक इट वाज अमेजिंग। अभी हमारे सामने भी एक सिचुएशन है, और आप देख रहे हो कि हाँ एक वायरस ने हिट कर दिया है, और हम लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोगों का जो वर्क एथिक है वो बिल्कुल ऊपर नीचे हो चुका है। तो ये सभी के लिए है,
अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ये सभी के लिए लागू होता है कि देखो अपना जो वर्क एथिक है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वही चीज जो है हमारे कंट्रोल में है हम उसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस समय पे आपको ये सोचना है कि हम कैसे और बेहतर हो सकते हैं, कैसे और अच्छे हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोग इस चीज के फियर में रहें कि हम क्या कर पाएंगे। तो जिनसे भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिनसे भी नहीं मैनेज हो पा रहा है, वो जरा इनसे इंस्पिरेशन लें। अगर ये लोग इतना ग्रेट काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि ये सब आप ही की उम्र के आसपास के लोग हैं, राइट? और ये इतने ग्रेट हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। मुझे लगता है आप हो सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर एक ग्रेट दूसरे ग्रेट को बनाता है, हर एक ग्रेट एक दूसरे ग्रेट को इंस्पायर करता है। और मुझे पता है कि हमारे जितने भी लोग हैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आई डू फील दैट आप लोगों में बहुत ग्रेटनेस है। कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ ग्रेटनेस है ना, वो हम ला नहीं रहे हैं खुद के अंदर। एंड ये चीज की मौत को सामने देखना, लेकिन फिर भी अपने काम की प्रति, मतलब इस तरह की बोलते ना कि इतनी ज्यादा निष्ठा शायद कोई नहीं रख सकता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आप इनसे बहुत शिक्षा ले सकते हैं। और लाइफ में ऐसे बहुत चैलेंजेस तो नहीं देखे हमने, लेकिन हाँ कुछ चैलेंजेस इस प्रकार के अभी हम देख रहे हैं। और देखो इस समय से कैसे जूझना है, कैसे निकलना है, उसके लिए सबसे अच्छी चीज, मैं एक ही स्टेटमेंट मैं आपको बोलूंगा और उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, द ओनली वेरिएबल यू कैन कंट्रोल इज योर वर्क एथिक। सो वर्क ऑन इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।